नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और पुण्यतिथि पर आज के समारोह, नीतीश कुमार के संरक्षण में बढ़ रहा अपराधी का मनोबल, बोले तेजस्वी। कोलकाता की घटना पर बोली बीजेपी, क्रूरता बनर्जी है तेजस्वी की बुआ। ममता बनर्जी पर बरसे चिराग, जेल से बाहर निकले अनंत सिंह, बोले लीपी सिंह पर जांच हो। सैनी के जदयू में शामिल होने को लेकर नीतीश के मंत्री का बड़ा खुलासा। पटना के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा ठप। सहरसा में जदयू नेता की हत्या, बाढ़ प्रभावित स्कूल 21 अगस्त तक बंद, निर्देश जारी। बिहार के 14 जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और पुण्यतिथि अब बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने उनकी पुण्यतिथि पर की। पटना के अटल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। बिहार सरकार की तरफ से कार्यक्रम में घोषणा की गई कि इस श्रद्धांजलि समारोह को अब राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। इनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संरक्षण हासिल हो रहा है। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उनके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। यह तमाम बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दरअसल राज्य में बढ़ती अपराधी घटनाओं को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए राज्य के अंदर क्राइम ग्राफ पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप, पुलिस ने FIR करने में 4 दिन और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने में और 4 दिन लगाए। मुजफ्फरपुर में माँ बाप के सामने नाबालिग लड़की का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर अर्धनग्न शव को पोखर में फेंका। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या मामले की जांच अब CBI कर रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने हमला करते हुए सवाल उठाया और पूछा कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी में एक बुआ है, ठीक वैसे बिहार में भी तेजस्वी यादव की एक बुआ है। तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी है। बंगाल में जो महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई, इस मामले पर तेजस्वी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। राहुल गांधी का मुंह 4 दिन बाद खुला, जो राहुल की बहन प्रियंका जो कहती है कि लड़की है, लड़की के हक के लिए लड़ेंगे, उनको तो अभी तक मुंह खोला ही नहीं गया। अखिलेश यादव पर भी हमला किया और कहा कि उनके तो मुंह में लकवा मार गया है। ममता बनर्जी CBI जांच को लेकर सच को मिटाना चाह रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोलकाता हत्याकांड को लेकर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। चिराग ने कहा कि बंगाल के CM को दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यह ध्यान देने चाहिए CBI की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए, कार्रवाई और जांच सही से हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे सभी लोगों का फायदा होगा और दोषी को सजा मिलेगी। इसके आगे चिराग ने कहा कि बंगाल में इस तरह की घटना हुई तो जिसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की खुद की बनती है या उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब साफ है कि जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह नाकामयाब रही, आपका शासन और प्रशासन पूरी तरह नाकामयाब रहा। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह की घृणित घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद सबूत को मिटाने की सोच के साथ आधी रात हजारों की संख्या में और सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। यह घटना अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। AK-47 की बरामदगी केस में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद रिहा हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। पूर्व विधायक ने सरकार से लिपि सिंह की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हम तो कोर्ट से बरी हो गए तो लिपि सिंह दोषी हो गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI से भी कराने की मांग की। रिहाई के बाद मीडिया से खुलकर बात करते हुए बाहुबली अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें
कोर्ट पर पूरा भरोसा था। जेल से बाहर आने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले में लिपि सिंह पर जांच होनी चाहिए। अनंत सिंह ने कहा कि हम बिना मतलब के इतने दिन जेल में रहे तो वह भी जेल जाए। अनंत सिंह की रिहाई के बाद उनके इलाके में जश्न का माहौल है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान अशोक चौधरी ने मुकेश सैनी से मुलाकात को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल अशोक चौधरी बीते दिन मुकेश सैनी से मिले, जिसके बाद ही उनकी जदयू में शामिल होने की कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अशोक चौधरी से मुलाकात के पीछे की वजह बताई। मंत्री ने बताया कि वो मुकेश सैनी से मुलाकात करने गए थे क्योंकि वो उनके पिता के श्राद्धकर्म में नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि उनका मुकेश सैनी के साथ राजनीति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि केवल उनके पिता के निधन को लेकर उनसे मिलने के लिए गए थे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या सैनी जदयू में शामिल होंगे, तो इसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि भविष्य में क्या होने वाला है इसको लेकर हम अभी बयान नहीं दे सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सैनी आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं, यह उनकी राजनीति है। कोलकाता की घटना पर देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। इस घटना के विरोध में पटना के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन लोगों ने ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप कर दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना से आक्रोशित डॉक्टर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। आक्रोशित डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार का अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो, फिर हम लोग काम पर लौटेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि सरकार हमें यह विश्वास दिलाए कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सहरसा में अपराधियों ने जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जवाहर यादव के रूप में की गई है। वह कहरा प्रखंड के जदयू अध्यक्ष थे। हत्या की यह घटना कहरा प्रखंड अंतर्गत बनगांव थाना क्षेत्र के बड़ियाही गांव की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जदयू अध्यक्ष को 3 गोली लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें आनंद फानन में निजी नर्सिंग में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेगूसराय में गंगा के बड़े जलस्तर के कारण बाढ़ से 7 प्रखंडों की स्थिति खराब हो गई। 7 प्रखंडों की 2,00,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई। हालांकि बीते 24 घंटे गंगा के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की कमी आई है, लेकिन इससे अभी लोगों को कोई खास राहत नहीं। ऐसे में 16 से 21 अगस्त तक छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। मामला बलिया प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवनगर का है। यहां 5 क्लासरूम और 1 हॉल है और करीब 625 स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है, पढ़ाई भी ठीक होती है, लेकिन हर साल बारिश में यही स्थिति रहती है। यहाँ लगभग 2.5 फीट पानी भर जाता है। बाढ़ प्रभावित सभी प्रखंडों के विद्यालयों को 16 से 21 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिहार मौसम विभाग ने तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 14 जिलों के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में तेज बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बक्सर, नालंदा, मुंगेर, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और गया के कुछ भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गया, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में बारिश के साथ वज्रपात की प्रबल संभावना जताई गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।